काई है राजेंद्र जी राठौर साहब, काई है काई चीज है मना बताओ, मूंगफली को ठेलो भी लगाए गए कहते काई व्यापार करे वन पूछो। आज 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी की बात की है, सवाल पूछना पड़ेगा करा ले हमारी जांच कौन मना कर रहा है इनको, इनमें दम है तो जो कार्रवाई करें सो करें, लेकिन हम कहेंगे कि बीजेपी के लोग आरएसएस के लोग भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, देश को गुमराह है। जैसे जना जैसे जिया सही दुबारे जा रहा हूं, लेकिन पार्टी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो हमें ठोक जवाब दूंगा आरएसएस और बीजेपी का। बेईमान लोग ही है, झूठा ही, विक्रमा ही, और फिर भी आपको नहीं कह सका, क्यों नहीं कह सका बताओ? कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आओगी, फिर दिल्ली में आओगी, तो फिर आरएसएस झुंझड़ों में लाते होंगे, तो अन्याय नहीं करती भाई है। अरे मैं तो संटावांगा केले देर संटावांगा, मन कोई कह कल छमकट जमाने विस्तारक फिर है, मैं ये मन गांव का गेला तो बोल लाते है कहीं कृषि विस्तारक नीतियासी एक जाट बनियो है कि मेरो के उसी वो थोड़ो कम बोले तो ठीक रहे, लेकिन कटारिया साहब आपने के तो है ही बोल बोई, दिन में भी कंजूसी कूक रहा हूं। आदमी ने जो भी वो ओरिजिनल स्वभाव है ना, मूल स्वभाव जिन्हें कहते हैं छोड़ना चाहिए, आप छोड़ देंगे लोग कहेगा एक जने बनाए हो कई पहले तो जोर जोर सु टाइम फिर ट्रको वैदिक कायर को धप्पो लगा मर को बोलता हूं मरनो सा देखती हूं। मैं चूरू के मायने सरदार सर के मायने थोड़ो भी आरएसएस के बारे में बोल गो, मेरे 3 टेलीफोन नंबर ही कीना पर 2500 गाड़ आई है, ये कुटरो सपोर्टर नहीं सहेगा राजस्थान, क्या नहीं सहेगा राजस्थान, क्या नहीं सहेगा, अरे तुम 25 निकमों को नहीं सहेगा, आपको ज्यादा भाषण का समय नहीं है, आज कोई ढोल नगाड़े बजाने का भी समय नहीं है, आज जो जिम्मेदारी गोपाल मीणा जी को दी गई है उस जिम्मेदारी को हम सबको जिम्मेदारी मान करके दीवी मान करके एक संकल्प लेकर के जाने का दिन है, इसलिए मैं बहुत ही शॉर्ट बोलूंगा। रंधावा साहब को सालासर बालाजी धाम पधारना है, बालाजी के दर्शन करने हैं, आशीर्वाद लेना है, मैं मेरे जो एमएलए साथी हैं पदाधिकारी हैं उनसे मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि इंदिराज गुर्जर जी हो चाहे सोलंकी जी हो चाहे समाम हो, सब लोग अच्छा बोलते हैं, अच्छा संगठन के लिए करते हैं, अच्छा सरकार में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन हमारा थोड़ा कार्यक्रम इस तरह का था कि भाई हमने सोचा 10-11 बजे शुरू हो जाएगा कार्यक्रम और हम लोग 2-2.5 घंटे बोल जाएंगे, थोड़ा कार्यक्रम देरी से शुरू हुआ, आपके हिसाब से जल्दी है, लेकिन हमने जो हमारा टाइम टेबल बना रखा था अभी जाना है, बीच में रस्ते में लोग भी मिलेंगे, 4-5 बज जाएंगे सरलासर जाते और आते आते रंधावा साहब को 9-10 बज जाएंगे, इसलिए मैं सम्मानित मंच से माफी चाहता हूं प्रदेश अध्यक्ष के नाते कि हम सब आपको आज नहीं सुन पाए, तो आप ये मान के चलना कि आपका ये भाई आपकी आवाज बनकर के आपकी ताकत बनकर के और कार्यकर्ताओं के बीच में और आलाकमान के आप सब लोगों की अच्छी पैरवी करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चुनाव आयोग रणभेरी बाजगी और जब युद्ध की रणभेरी बाज जाए तो आप आपका हथियार पलार लेना चाहे है?
फेमनिया बताओ, जब भी पहली जब आजादी के समय देश आजाद नहीं, लोग भी टाइम आजादी के लिए जगह जंग करता, जगह आजादी की लड़ाई लड़ता, मैं गांव गांव में बुजुर्ग जाने गांव गांव में घूमता कुछ लोग, और मैं आज कहता कि एक टावर माने दे दो देश की आजादी करा पाने, एक घर से एक टावर मानता, गांव से दस टावर मानता, दस नौजवान होता या कार वो बनतो, कार वो बन और पिक बाद के मायने देश में आजाद कराए, देश में आजाद कराए। अगर मैं आज सोचता कि आप कोई के खिलाफ क्यों बोला, अंग्रेजा से लड़ाई क्यों लड़ा, तो देश आजाद बन गया और आप गुलाम रहता। इसलिए बाकी जिसकी शहादत है, बाकी जिसको परिश्रम है, बाकी जिसकी देशभक्ति है, दिन आपने हमेशा याद रखकर अपनी हिसाब से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आज जो माहौल है देश के मायने, आज जो चल रही है, बाकी टाइम जिया अंग्रेज का जुलम करता, बाग का बा जुलम आज आपकी केंद्र की मोदी सरकार आपने पर कर रही है। और मैं केवल भाषण के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप ही मैंने बताओ, किसान परिवार से सारा का सारा, करीब करीब किसान परिवार से बैठे हो, कोई बड़ो व्यापारी शायद को नहीं होगो, आपन बताओ है तीन काला कानून कोई माइया कोई फायदो हो आसे? फिर 15 महीना ताली खून का सुतू रुलाया, 15 महीना ताली सड़क के ऊपर टेंट लगा क्यों रहना पड़ो, 15 महीना तक लोग आपके बाल बच्चा से बीबी से मां से बुढ़े पिता से क्यों नहीं मिल सक्या, बाकी दिल्ली जाबा ने कटीला प्यार क्यों लगाया, किसान की आमदनी दुगनी क्यों नहीं करी, किसान ने एमएसपी क्यों नहीं दिलाई वादा के मुताबिक, ये सवाल है लोगों के बीच में। वो सवाल बनिए कुटरो सपोर्टर नहीं सहेगा राजस्थान, क्या नहीं सहेगा राजस्थान, क्या नहीं सहेगा, अरे तुम 25 निकमों को नहीं सहेगा, तुम्हारी झूठ को नहीं सहेगा, तुम्हारी बेईमानी को नहीं सहेगा, तुम्हारी महंगाई कम करने की नाकामी को नहीं सहेगा, बेरोजगारों के साथ वादा करके वादा खिलाफी की नौकरियां नहीं की उसको नहीं सहेगा, तुमने हमारी ईआरसी की रोक रखी है उसको नहीं सहेगा, तुमने दादागिरी करके इनकम टैक्स ईडी सीबीआई से कुचलने का काम कर रहे हो उसको नहीं सहेगा, क्या तमाशा लगा रखा है। कटारिया साहब सही कह रहे थे, आप और बने देखो आप अड़ताणी थोड़ी सोचे देखो पेट भी बढ़ाए, ऐ देखे नीचे से एक जाट बनियो है के मेरो के उसी वो थोड़ो कम बोले तो ठीक रहे, लेकिन कटारिया साहब आपने के तो है ही बोल बोई, दिन में भी कंजूसी क्यों करा, आदमी ने जो भी वो ओरिजिनल स्वभाव है ना, मूल स्वभाव जिन्हें कहते नहीं छोड़ना चाहिए, आप छोड़ देंगे लोग कहेगा एक जन ने बनाए हो पहली पहल तो जोर जोर सु टाइम दियो को भाई जी कायर को धब्बो लगा मर को बोलता हूं मरनो सा नहीं। मैं चूरू के मायने सरदार सर के मायने पड़ो भी आरएसएस के बारे में बोलूंगो, मेरे 3 टेलीफोन नंबर तीन पर 2500 गाल आई है, अरे फिर कह मेरे राष्ट्रपति हाँ शर्म से डूब मर जाओ, अगर थाने कोई आके कि भाई के चुनाव लड़िया मना शासन किया करो, और 2023 और 24 के मायने कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आओगी फिर दिल्ली में आओगी तो फिर आरएसएस झुंझड़ों में लाते मिलेंगे, अन्याय नहीं करती भाई है, अरे मैं तो सल्टाऊंगा केले देर सल्टाऊंगा, मन कोई कह कल छमकट जमाने विस्तारक फिर है, मैं ये मन गांव का गेला तो बोलना दे कहीं कृषि विस्तारक, विस्तारक कोई बोली थे हो
जबकि चीज हो मूल चीज के हो अगर के हो ताकि मेहनत है और कांग्रेस की विचारधारा है तो इस देश में आजादी भी मिली ही और 2024 में आजादी भी दोबारा इस देश में मिलेगी। बहुत बढ़ करना पड़े लोग कई नेता ने कहा भाषण दो जना गड़े कहने हाथ कर लिए क्यों भाई कह तो नेता मत बनो व्यापारी बन जाओ गोली गोली गणू पड़े और अगर नेता हो तो थाने कहू पड़े क्योंकि आज की जनता है ना आज जनता कटारिया साहब एक पक्षी सुनबो चावे आप ही सुनबो चावे थे हमारे लिए काई करे और काई कर सो और आप ही सुनबो चावे के निकम्मा काई गोली कर लिया के अत्याचार कर लिया के जुलम कर लिया आप ही सुनबो चावे और अगर अन्न आप बताता जावांगा जना आपने से ज्यादा मजबूती के साथ काम करेंगे और 2023 में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में भारी बहुमत मैं कई बार देखूं कई कार्यकर्ता है पार्टी के लिए सिर फुड़ा ली पोलिंग के ऊपर झगड़ों कर ली फर्जी वोट को नहीं गिरवा ली आरएसएस का लोग झूठ बोले जना बाबू मुकाबलो करे और आप दोस्ती निभावा लाग जाओना इतिहास माफ नहीं कर कोई व्यक्ति ने पद मिले मालिक की इच्छा भी के पुरखा की पुण्याई भी की खुद की मेहनत और फिर पार्टी के नेताओं को आशीर्वाद सारी चीज मिले जना बिन पद मिले और अगर पद मिल जाए भी पद की सार्थकता साबित कर वो भी की ड्यूटी में आवे भी के कर्तव्य में आवे ये कर्तव्य को ध्यान रखना इसलिए मैं तो भाई जी जज्जे जना जज्जे जी सही गुबारे जा रहा हूं लेकिन पार्टी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो हमें ठोक जवाब दूंगा आरएसएस और बीजेपी का बेईमान लोग ही है झूठा ही विक्रमा ही और फिर भी आपको नहीं कह सका क्यों नहीं कह सका बताओ काई है राजेंद्र जी राठौड़ साहब काई है काई चीज है मना बताओ मूंगफली को ठेलो भी लगाए होंगे कहते काई व्यापार करे हुआ ना पूछो आज 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी की बात की है सवाल पूछना पड़ेगा करा ले हमारी जांच कौन मना कर रहा है इनको इनमें दम है तो जो कार्रवाई करें जो करें लेकिन हम कहेंगे कि बीजेपी के लोग आरएसएस के लोग भ्रष्ट हैं बेईमान हैं देश को गुमराह लुकिया पार करने पड़े लुकिया पार करने पड़े पंडित जी लुकिया पार करने पड़े उनने एकांक मार दिया उनने एकांक मार दिया लहर में हाथ लगा दी आप पार्टी है ना पार्टी आपना बाप दादा पड़दादा बस चीज आज तक ये रहा अगर जो किसान है ना अब कांग्रेस नहीं होती ना तो इस जमीन को अधिकार को नहीं तो किसान में कदम ही नहीं मिलते मिलतो के अरे मोदी ने कह लोग मोदी कर लिया आतोई भूमि अधिग्रहण कानून ने नष्ट करवा को काम करो बिना पूंजीपतिया ने जमीन लेवा को काम करवा के लिए कमर कसदी संशोधन ले रहे हो लोकसभा राज्यसभा आयो फिर आप सगला जना माचिया राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की आंदोलन करो और फिर दोबारा आया जना कहीं करो काला कानून के सागे सागे भी 5 लाख नोट लगाए कर अरे मुख्यमंत्री साधु के तो माखाड़ हो मोदी के तो गायब करे लाओ चले क्या को 2000 को फिर कहीं ये भी 2000 लगो ये कोई छुआछूत की बीमारी है ना जना के हाथ मत लगा जी मेरे लाग जाएगी या 2000 को नोट दिखावा ले ये जाके नमक बन भारतीय मुद्रा की जगह के ऊपर महात्मा गांधी जी की फोटो भी की तुलती करवा को काम है बीजेपी वाला कर दियो अरे वो कौन पहली है
पगड़ियाला मुदल बैठा है ना साझी का इतना साल का एक रिप्यो उतो ने गरीबियां कोई देतो ना मत है लगातार कोई राज कहीं रहे है कि बोरी भर भर गोदाम गिर दो तू भाई चलाए तू 6 साल ही नहीं चला सके जितना तेरे कुर्सी अड़ी पड़गी कि तुम 2000 को नोट लिया पड़े बैंक फेल हो जाता 500 का नोट बंद नहीं करते तो और अब 2000 का नोट बंद नहीं करते तो बैंक फेल हो जाता अरे बीजेपी को केंद्रीय सरकार को काड़ो मोड़ हो जाता समझो बात आप बात समझनी पड़ती ए बात कहनी पड़ती ये गुड्डी गुड्डी खेलना राज हो नहीं आवा दोबारा गुड्डी गुड्डी खेलना को नहीं आवा भाई तो आपने साथ तो अत्याचार करे तो अन्याय करे सगली संस्था ने कब्जे में कर ली कोर्ट में भी केवरी जो थारे सामने सबके सामने है लोकसभा के सदस्य थे वो राहुल गांधी जी ने बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए मांगे हिसाब से तो 6 साल के लिए काट लिया सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल सी आपको उम्मीद करा लेकिन मैं तो आपको जब तो उपक्रम करनो जो तो कर दियो ना और की के लिए वह आगे 20,000 करोड़ रुपया की का है अकी तो बात पूछी कोई अन्याय है चाइना पर कब्जो क्यों कर लिया है चाइना कब्जो क्यों कर लिया हिंदुस्तान की जमीन पर कोई अन्याय कर लीजिए पूछूंगा